देखते हैं अपन। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा देवबंद का, ये सिखाया था मैंने लाइंस। अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले वो देख लो अच्छे से, कैसे लाइन ड्रॉ करना है और कैसे प्रैक्टिस करना है वो सब कुछ मैंने बताया है, ठीक है। आज हम देखेंगे स्कैलप, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, बेसिक से लेके ब्राइडल तक हर एक चीज़ में ये यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। उसके ऊपर हमें ऐसे यू के जैसा बट एकदम पतला स्कैलप ड्रॉ करना है, इसे हम स्कैलप बोलते हैं। अभी अगर आप देख रहे हो तो एकदम पतले स्कैलप्स है मेरे और सब सेम लेंथ में है, ठीक है, छोटा बड़ा ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी गलती क्या होती है मोस्टली वो मैं आपको दिखाती हूँ। कभी कभी क्या हो जाता है कि स्कैलप ऐसे मोटे बन जाते हैं, ठीक है, तो ये स्कैलप नहीं होते, ये यू स्कैलप में आ सकते हैं बट ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना है। फिर नेक्स्ट गलती क्या हो जाती है कि पतले तो बना लेते हो आप लेकिन छोटे बड़े ऐसे हो जाते हैं, तो एक लेंथ में हमें स्कैलप करना है, ऐसे छोटे बड़े नहीं करने, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आ जाएगा। डायरेक्टली कौन से प्रैक्टिस करना है हमें, पेन पेंसिल से प्रैक्टिस करके कुछ फ़ायदा नहीं है, मतलब हो सकता है कुछ लोग करते होंगे बट कौन का बहुत डिफरेंट हो जाता है। अगर आप डायरेक्टली कौन से प्रैक्टिस करते हो तो बेटर है, ठीक है। लाइन ड्रॉ करो, छोटे छोटे स्कैलप्स ड्रॉ करो, पतले होने चाहिए और लंबे होने चाहिए। नेक्स्ट एक और जो चीज़ है कि इसमें हमें ध्यान रखनी है, ऐसे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है कोन पे। अगर आप ऐसे प्रेशर देके करोगे तो अपने आप ही वो स्कैलप जो है वो मोटे बनेंगे। इतना ज़्यादा प्रेशर कोन पे हमें नहीं देना है, एकदम कम प्रेशर देना है। अगर आप इसमें और इसमें फ़र्क देखोगे तो अभी आपको पता चलेगा। पेपर पे घिसना नहीं है कोन की टिप को बट प्रेशर कम रखना है, तो ये प्रैक्टिस के साथ आपको आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इसकी भी बॉक्स बना लो या फिर ऐसे दो लाइंस पेन या पेंसिल से ड्रॉ कर लो, ठीक है। और लाइन ड्रॉ करके स्कैलप की प्रैक्टिस करो। अगर आप मेरे साथ ये सब कुछ ड्रॉ कर रहे हो और अगर आप मुझे दिखाना चाहते हो आपका वर्क, कि आपने अगर मेरा वीडियो देख के कुछ भी प्रैक्टिस किया है और आप अगर मुझे दिखाना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम आईडी लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर फॉलो करना। और मुझे अगर आप कुछ भी मेरा वीडियो देख के प्रैक्टिस करते हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करना, ओके। अगर कुछ गलती रहेगी तो मैं वो आपको बता दूँगी, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहो जब तक परफेक्ट नहीं हो जाता है, फुल पेज भर के प्रैक्टिस करो तो आप ज़रूर परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, हम लोग थोड़ा स्लो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम भी मिलना चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है।
बहुत जल्दी मैं न्यू वीडियो लेके आपके साथ ज्वाइन करूँगी। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और थोड़ा भी यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो।